अजामिल का पिछला जन्म उसके इस जीवन से जुड़ा है। अजामिल पूर्व जन्म में हठ योगी था, उसने गुरु धारण नहीं किया हुआ था। वो हठ योग के द्वारा प्रभु को पाने का प्रयास कर रहा था। अत्यधिक शीत होने की वजह से हठ योग करते करते एक दिन उसका शरीर जकड़ गया। एक ऋषि कन्या ने देखा कि कोई हठ योगी है, हठ कर रहा है, योग साध रहा है, लेकिन ये शीत की वजह से जड़ हो चुका है। उसने अपने शारीरिक ताप से उसमें चेतनता लाने का प्रयास किया, पर जब हठ योगी की चेतना लौटी और अपने अत्यंत समीप उसने ऋषि कन्या को देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे पिशाचनी, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, क्या तुम्हें ऐसे कर्म पसंद है? तो मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अगले जन्म में वेश्या बनेगी। ऋषि कन्या के हृदय की भावना को हठ योगी समझ नहीं पाया था और ऋषि कन्या भी क्रोधित हो गई कि तुमने मेरी भावना को समझा नहीं है, तुमने मुझे शाप दिया है, मैं भी तुम्हें शाप देती हूं कि अगर अगले जन्म में मैं वेश्या बनी तो तू मेरे पीछे पीछे चक्कर काटेगा, मेरा गुलाम होकर रह जाएगा। और यही शाप था जो अजामिल का बहुत समय से पीछा कर रहा था। और अजामिल के गुरु ने जो आज्ञा लगाई थी अजामिल को इसी शाप से बचाने के लिए लगाई थी। जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव अपने शरणागत शिष्यों पर कोई आज्ञा लगाते हैं तो उसमें शिष्य का भला छिपा होता है। गुरु तो सर्वसमर्थ होते हैं, वो अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर वो कोई बीड़ा उठाते हैं, अगर कोई वो संकल्प लेते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो अकेले ही उस कार्य को संपन्न कर दे। लेकिन अगर गुरु किसी की सेवा लगाते हैं, किसी की आज्ञा लगाते हैं, तो उसके कष्टों को दूर करने के लिए, उसके जीवन में आए हुए संकटों को दूर करने के लिए, लेकिन शिष्य अपने गुरु की कृपा को समझ नहीं पाता। अजामिल भी नहीं समझ पाया, सोचने लगा मेरे गुरु ने क्यों कहा इस रास्ते से नहीं आना, ऐसी आज्ञा क्यों लगाई। जिस दिन उसने आज्ञा का उल्लंघन किया उसी दिन उसका शाप जो पीछा कर रहा था सामने आ गया। इसलिए हे भक्त जनों, अगर आपके जीवन में तत्ववेता संत का पदार्पण हो गया है
उनकी आज्ञा को कभी मत टालना, क्योंकि उस आज्ञा में आपका हित है, आपका भला है, वो आपके हितैषी हैं, आपके कल्याण के लिए आज्ञाएं और सेवा लगाते हैं। इसलिए अजामिल का ये प्रसंग सारे मानव समाज को ये शिक्षा दे रहा है। अजामिल भक्त अजामिल के नाम से जगत में प्रसिद्ध है, और एक ऐसे ही अनूठे अनन्य भक्त की गाथा है भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में। कथा का व्याख्यान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी उस समय करते हैं जब धर्मराज युधिष्ठिर जी रास्य यज्ञ कर रहे होते हैं, और रास्य यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण जी का जब अपमान करता है तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिशुपाल का उद्धार होता है, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान के शरीर में समाहित हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, शिशुपाल सारी उम्र भगवान की निंदा करता रहा, सारी उम्र भगवान से द्वेष करता रहा, और उसके शरीर की ज्योति भगवान के शरीर में क्यों चली गई? देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, निंदा स्तुति मान अपमान ये सब तो शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। एक भृंगी को आपने देखा है, किसी कीट को पकड़कर भित्ति में छिद्र में बंद कर देता है और भय और उद्वेग से वह कीट भृंगी जैसा स्वर निकालता है, और एक दिन भृंगी का चिंतन करते करते उसी का रूप हो जाता है। यही बात भगवान के संदर्भ में है, इनसे वैर करने वाले भी इन्हीं को प्राप्त हो गए। इसलिए अनुकुलेन भक्ति भाव से या प्रतिकुलेन वैर भाव से भगवान में मन लगा ही रहना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। बीज को जब आप धरती पर डालते हैं उपजाऊ भूमि पर, तो उल्टे सीधे कैसे भी गिर रहे हैं, फसल तो होगी होगी, फसल तो पैदा होगी ही होगी क्योंकि बीज गिरे हैं। किसी भी तरह भगवान का नाम लो तो भगवान उद्धार करेंगे। और तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, ये जो प्रभु रूपी सरकार होती है इसका कुछ पता नहीं चलता, इसके कानून इसके नियम, ये तो भक्तों के लिए बड़े बड़े नियम तोड़ देते हैं, तो इनके कानून का हमें कैसे पता चले? इसलिए तुलसीदास जी ने श्रद्धा के साथ कहा, अंधा धुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीजे दिनों परम पद रीझे दिनों लंक। मतलब क्या हुआ? कहते ये सरकार अंधाधुंध है, अगर खीज भी कर रहे हैं आप इनके प्रति तो क्या होगा, परम पद, रावण इनके प्रति खींच लेकर बैठा रहा, परम पद की प्राप्ति हो गई उसे। रीझे दिनों लंक, विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज्य दे दिया। इनकी शरण में जो आता है, चाहे द्वेष हो, चाहे वैर हो, चाहे प्रेम हो, चाहे प्यार हो, वो तो मालामाल होगा ही होगा। हमारे प्रभु इतने करुणा के सागर हैं, उद्धार करते ही करते हैं। उन्होंने गाथा सुनाई, एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकं यदृच्छया सनंद नादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि जी स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ चले गए। वहां भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय थे। सनक आदि जी ने कहा, हम प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा लेकर आए हैं, हमें प्रभु के दर्शन करने दीजिए। जय और विजय ने उनको दर्शन करने से मना कर दिया कि आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की, प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। बहुतेरी अनुनय विनय की, लेकिन प्रार्थना को स्वीकार करने की बजाय, भगवान के चरणों में संदेश पहुंचाने की बजाय, उन दोनों ने सनक आदि जी का अपमान किया और सनक आदि जी क्रोधित हो गए, और क्रोधावस्था में उन्होंने शाप